देखो ये क्लास न्यूमोलॉजी की है, आपको ये पता है कि हर चीज का अलग अलग टॉपिक होता है। अगर हम महावास्तु या वास्तु का कर रहे हैं, उसका अलग गॉसिप है, अलग कंटेंट्स है सबके, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उसका अलग है, एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं उसका अलग है, और ये है आपका किसका, न्यूमोलॉजी। न्यूमोलॉजी प्रो न्यूरोलॉजी यानी कि अंक, तो इसमें हम भविष्यवाणी किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हम अंकों की मदद से करते हैं, ठीक है। जो हमारे लेटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं, जो अल्फाबेट लेटर होते हैं, जो हमारे अंक होते हैं उनके अकॉर्डिंग सारी थ्योरी चलती है ये, ठीक है। इसमें है, इसमें हमारा वास्तु नहीं है, वो लिंक हो जाएंगे इसमें, जब ये खत्म होगा तो उसमें ये लिंक हो जाएंगे, वास्तु कुंडली दोनों लिंक हो जाएंगे। लेकिन अभी हम पहले केवल न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उससे हम कैसे अपने आप को फाइंड आउट करें, ठीक है। हमारी जी होती है न्यूमरोलॉजी। इसमें जी आपका ये जो आपको टेबल दिख रही है, ये एक चाइल्ड इन टेबल होती है, इसके बेस पे ही हम सारा काम करेंगे। कैलेंडर AIJQY दिख रहा है ना स्क्रीन पे? जी, AIJQ हाँ, तो ये जो लेटर्स हैं ये 1 को नंबर को डिनोट करते हैं, BKR ये सेकंड को करते हैं, CGLS ये थर्ड को करते हैं। मतलब जहाँ कहीं भी हमारा जी उसमें ए नंबर जब आएगा, ए लेटर जब आएगा, उसे हम क्या कहेंगे, वहाँ पे हमारा एक नंबर लिखा जाएगा। जहाँ कहीं I लिखा जाएगा उस पर एक लिखा जाएगा, जहाँ कहीं KR वहाँ पे 2 लिखा जाएगा, ठीक है ना। जी तरीके से हम इसको जी सेट करेंगे, अभी आगे पता लग जाएगा। और इसमें आगे जो हमारी मेन जो, जैसे मैंने अभी कहा कि 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स चलते हैं, इसमें सारा जो है न्यूमोलॉजी जी अंकों की मदद है, तो अंकों की मदद से हमें जो कैलकुलेशन करनी है, तो अंकों के अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं। जैसे आपको भी मैंने अभी एस्ट्रो वास्तु कराया था, उसमें बताया था आपको 9 ग्रह होते हैं, सूर्य चंद्र गुरु राहु ये सब बताए थे आपको, इनके न्यूमोलॉजी में इनके अंक होते हैं। इसमें राशियां थी, जैसे सूर्य की राशि कौन सी थी आपकी, 5 नंबर थी, मून की कौन सी थी, 2 नंबर राशि थी, जुपिटर की 9 और 12 राशियां थी अलग अलग, ठीक है। इसमें क्या है, न्यूमोलॉजी में इनके अंक होते हैं, वो राशियां थी, मिक्स मत करना माइंड में, वो राशियां थी, ये अंक हैं। न्यूमोलॉजी में जहाँ जी एक नंबर आएगा उस पर सन का असर होगा, जी डेट ऑफ बर्थ में यदि कहीं एक आता है, जब ड्राइवर और कंडक्टर हम निकालेंगे, किसी का ड्राइवर एक आ गया उस पे सन का होल्ड जी रहेगा, किसी पे 5 आ गया उस पे मरकरी का रहेगा, ये अलग अलग होते हैं। जैसे एक नंबर जो जहाँ कहीं होगा वहाँ पे सन का होल्ड होगा, और सन कौन होता है, सन की पर्सनैलिटी कैसी होती है, किंग की ऐसी, जी किंग किंग जैसी। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ आगे लिखी हुई है 1/10/1928, यानी कि जी का जन्म जो है 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ जी होगा, उस पर सन का होल्ड रहेगा, राजा की तरह जी रहेगा, वो काम नहीं करेगा, वो केवल उसे ऑर्डर देना है, या जी उसकी बॉडी में सिम्टम्स आ जाएंगे। अब इसके लिए ना तो हमने कोई कुंडली देखी, ना कोई इसका घर देखा, ना कोई हमने एस्ट्रो वास्तु किया, कुछ भी नहीं करा, हमें पता लग गया उसका 1 तारीख का जन्म है, तो उसका ऑटोमेटिक नेचर कैसा है, राजा जैसा, जी किसी के अंडर में वो रह ही नहीं सकता। तो ऐसा बंदे को अगर हम नौकरी करवाएं ना, तो उस पर नौकरी सक्सेस नहीं रहती, अगर वो नौकरी जी है तो बहुत अपने आप को परेशान महसूस करता है, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है किसी के ऑर्डर में रहना, ये अपना खुद बिजनेस करे ज़्यादा बेस्ट है। तो जिसका एक नंबर डेट ऑफ बर्थ है या 10 है या 19/28 है, तो आपको ये तो चीज़ पता लग गई उसे कैसा काम करना चाहिए, नौकरी जी सुटेबल नहीं है। तो ये कैसे हो गए, लीडरशिप वाले बंदे हो गए, दूसरे के हिसाब से इन्हें चलना नहीं है, अपने हिसाब से चलना है। हाँ, दूसरों की मदद जरूर करते हैं, क्योंकि किंग का काम क्या क्या है, अपनी प्रजा का ध्यान रखना, तो ये इनमें भी रहता है, अपनी प्रजा का ध्यान रखना जी है, लोगों के बहुत एक कहते हैं केयर टेकर होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से अटैच रहते हैं, ये सब चीज़ें इनमें रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये इनमें सेल्फ जो होता है ना, कि अपनी ईगोनेस बहुत ज़्यादा होती है कि मैं तो राजा हूँ, वो चीज़ थोड़ी इनमें गड़बड़ रहती है। अब से ज़्यादा जो देखो तो हर चीज़ की बुरी होती है, लेकिन राजा जो हर कोई राजा, अब कहाँ राजा मेनली जो एक कॉमन राजा कहते हैं, और कहाँ राजा जैसे सोचना, दोनों में फर्क हो जाता है, ठीक है ना। तो इनका जो थोड़ा सा इन लोगों को क्या करना चाहिए, जो एक नंबर वाले बंदे होते हैं, इनको ना एक तो कोशिश करना चाहिए कि दूसरों की राय लेके थोड़ा काम करें, क्योंकि इनमें खुद में ये सोचते हैं जो हम सोच रहे हैं वो सही है, तो इन्हें कभी कभी जो है अगर इन्हें प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इन्हें दूसरों की राय लेके काम करना चाहिए, ये रेमेडीज में आ जाएगा। खैर चलो इसको अभी छोड़ो, फिलहाल इनके करेक्टर ही देखो।
तो एक नंबर का हो गया सन। अब जिसका दो नंबर है, 2, 11, 20 और 29, 2, 11, 22। मैम इसको भेज दीजिएगा, क्या बोलिए? भेज दीजिएगा इसका, ये जो होता है प्रिंट आउट करने के लिए भेज दीजिएगा, इसको सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पीडीएफ तो में। सेंड कर दिया ना मैंने, आया ऐसा अभी देखे नहीं। हाँ ग्रुप में सेंड कर दिया पीडीएफ अभी मैंने। अच्छा तो अभी आपने क्या देखा, 1, 10, 19, 28। अमून की बात,